वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बच्चों, कल हमने जो डिफरेंट फाइव प्रॉपर्टीज को रीड किया था, जिसमें पैकिंग, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी। आज हम उन पांच डिफरेंसेस से आगे बढ़ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे एक डिफरेंस है डेंसिटी। डेंसिटी अर्थात मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम वैसे तो क्लास 9 में हमारे लिए ये शब्द नया है, बट वास्तव में डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अर्थात किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास आ सकता है। किसी पर्टिकुलर स्पेस में वॉल्यूम को हमने कहा था स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम। तो किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास आ सकता है, उसको हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड्स में जो डेंसिटी है वो हाई होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसी पैकिंग के कारण सॉलिड का हायर मास एक लेस स्पेस में आ सकता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स जो डेंसिटी है, इट इज लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड बट मच हायर देन दोज ऑफ लिक्विड्स। तो जो डेंसिटी लोअर देन सॉलिड्स बट हायर देन लिक्विड्स, हायर देन गैसेस, सॉरी, लिक्विड्स में जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड की अपेक्षा तो क्या होगी? लोअर, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर स्पेस में जहाँ सॉलिड ज़्यादा आ सकता है, लिक्विड की मात्रा वहाँ पर सॉलिड से कम होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो डेंसिटी है इन केस ऑफ लिक्विड, इट इज़ लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस, ये गैसेस से हायर होगी। सिमिलरली डेंसिटी इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ही एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसलिए डेंसिटी जो होगी, जनरल डेंसिटी इन केस ऑफ गैसेस, इट इज वेरी लो। जो गैसेस की जो डेंसिटी होगी, इट इज वेरी लो, ये बहुत ही कम होगी। मीन्स किसी पर्टिकुलर स्पेस में जिसमें सॉलिड की मात्रा सबसे ज़्यादा आएगी, लिक्विड की मात्रा उससे कम होगी, बट गैसेस की मात्रा तो बहुत ही कम आएगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो मैंने आपको बताया था कि वेरी फार अवे फ्रॉम वन अनदर। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस एक दूसरे से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा स्पेस होने के कारण किसी पर्टिकुलर स्पेस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस गैसेस के पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होने के कारण किसी पर्टिकुलर स्पेस में गैसेस की जो अमाउंट है वो कम होगी। लिक्विड्स में गैसेस की अपेक्षा ज़्यादा होगी बट सॉलिड की अपेक्षा कम होगी, और सॉलिड जो हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उसको हम कहेंगे डिफ्यूज़न क्या है? सामान्य डिफ्यूज़न आपने देखा होगा कि भाई, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इन आवर होम्स व्हेन वी कम टू नो
दैट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन. हम अपने घर में देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है विदाउट इवन एंटरिंग देयर, बिना वहाँ पर एंटर किए. बाय द स्मेल दैट रीचेज अस, हमारे पास एक स्मेल जो है वो रीच आउट होती है. दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन, इसके पीछे का रीजन होता है डिफ्यूजन. मीन्स कोई खाना बन रहा है और उसकी स्मेल जो है वो हमें बाहर तक आती हुई प्रतीत होती है. बाहर भी हम उसकी फीलिंग ले सकते हैं कि वो स्वीट स्मेल है या उसका किस प्रकार का जो है ऑर्डर है, बेड है या स्वीट है या कोई और है. तो इस प्रकार का जो अनुभव होता है हमें एक डिस्टेंस पर भी, उसके पीछे का रीज़न है डिफ्यूजन. मीन्स सेवरल मीटर अवे वी कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द कुक्ड फूड आइटम इन द किचन. किचन में जो फूड आइटम जो बन रहा है उसकी जो स्मेल है वो सेवरल मीटर अवे हम देख लेते हैं, यानी सेवरल मीटर अवे हम अनुभव कर सकते हैं. तो इसके पीछे का रीज़न हुआ डिफ्यूजन. द पार्टिकल ऑफ द प्लीजेंट स्मेल, मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ जो है, एक बढ़िया फूड आइटम जो ना बन रही है आपकी पसंद की, तो उसका जो पार्टिकल्स होंगे प्लीजेंट स्मेल के, वो फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर, वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे. एंड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होने के कारण द स्मेल क्विकली रीचेज अस, स्मेल हमारे तरफ तेजी से बढ़ेगी. सिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, इसलिए जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. सो वी जनरली नोटिस द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड ट्रेवल्स फास्टर देन दैट ऑफ द कोल्ड फूड. तो इसलिए खाना जब किचन में बनता है तो उसकी जो स्मेल है वो हम काफ़ी दूर तक जो है अनुभव कर लेते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ, हमें तो एक डिफरेंस देना है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेज जो हैं उनके बीच में जो डिफ्यूजन का रेट है वो किस प्रकार से है. तो सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड नॉर्मली डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. भाई सामान्य रूप से तो ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते. Although some rare example of diffusion of one solid into another are known. लेकिन कई बार ऐसा है कि कोई एक आधा example हम solid का भी देखते हैं कि भाई जो है solid में कुछ diffusion जो है वो होता है. But अगर हम देखते हैं liquid के case में, they show the property of diffusion. ये diffusion की property को show करते हैं. As a result, solids, liquid and gases are All can diffuse into liquids. इसलिए जो solids हैं, liquids हैं, gases हैं, all can diffuse into liquids. वो liquid में diffuse होते हैं. लेकिन अगर हम gases की तरफ चलते हैं तो they diffuse very rapidly. इनमें जो rate of diffusion होता है वो बहुत ही तेज होता है. They diffuse very rapidly. अब reason उसके पीछे का भी यही होगा कि gases के पीछे बीच में particle का जो attraction है बहुत ही low है. The rate of diffusion of gases, however, inversely proportional to द स्केयर रूट ऑफ द डेंसिटी. मतलब द लाइटर गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली देन दैट ऑफ द हैवियर वन. मतलब हमने डेंसिटी को कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने डेंसिटी को कहा था मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब जिन गैसेज की डेंसिटी जो है वो लाइटर होगी, लाइटर गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली, वो तेजी से डिफ्यूज होंगी देन दैट ऑफ हैवियर गैसेज. मतलब वो क्या होगा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है दैट इज हायर इन लाइटर गैसेज बट इट इज लोअर इन केस ऑफ हैवियर गैसेज. तो हैवियर गैसेज ऑलमोस्ट लिक्विड की तरह बिहेव करेंगी तो इसलिए वहां पर जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो कम होगा. इस तरह से हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उनको पढ़ा. एक और पॉइंट जो है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे पार्टिकल मोशन. पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो किस प्रकार से मूव करता है. तो सॉलिड के बीच सॉलिड जो है उसके केस में हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन. द सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन. मतलब जो सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो केवल अपने मीन पोजिशन के, जो मीन पोजिशन होगी उसकी, उसी मीन पोजिशन के अबाउट ही मूव करेंगे. और ऐसा जो मोशन होगा इन केस ऑफ सॉलिड
उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। क्योंकि जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने पर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी मोशन होगा, और ऐसा मोशन जो है वो केवल उसकी मीन पोजीशन के अबाउट ही होगा, और ऐसे मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन ठीक इसी प्रकार से पार्टिकल्स जो हैं, इन केस ऑफ लिक्विड्स, जो हमारे लिक्विड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के अपेक्षा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो इजिली क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे हैव ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन एडिशन टू वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में सॉलिड की अपेक्षा जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा होता है, तो इसलिए जब हम उसको गर्म करते हैं तो हम जो मोशन इन केस ऑफ लिक्विड्स देखते हैं वो मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी होगा, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, ठीक है, एंड वाइब्रेटरी। आप अपने घर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पर हम देखेंगे कि उसमें लिक्विड, उसमें जो मोशन होता है वो किसी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होता है, वो रोटेशनल भी होता है और वो वाइब्रेशनल भी होता है, मींस पानी पूर्ण रूप से उबलना शुरू कर देता है, तो उसका जो डायरेक्ट मोशन जो है वो हर डायरेक्शन में हम फील करते हैं। इसी प्रकार से जो गैस होंगे, पार्टिकल ऑफ द गैस है मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन, क्योंकि गैसेस का पार्टिकल का अभी जो डिस्टेंस है मैं ऊपर दिखा चुका हूँ आपको, इस प्रकार से उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सॉलिड की अपेक्षा यानी लिक्विड की अपेक्षा भी ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस सॉलिड की अपेक्षा भी ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, इस प्रकार से नेग्लिजिबल डिस्टेंस, और इसी कारण से जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मोशन है वो केवल वाइब्रेटरी होता है। इन केस ऑफ लिक्विड इट मे बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी, वाइल अगर जब हम गैसेस में ऐसे मोशन को देखते हैं तो गैसेस के बीच में पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये जो मोशन है वो भी उसी प्रकार से ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी मोशन होगा। तो इस क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट जनरल जो प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको रीड किया। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छी प्रकार से समझ आई होंगी, और आप इसको अपनी नोटबुक में भी डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।